혜니? 캬고 그려? 주사디? 차대우 तो ख्याल करते हैं कि जाते जाते आखिरी खामोशी पूरी कर गया। गुड़िया फैसला तो आपका था ना। फाकर अन्य अपील की फैसले खुद करेंगे, इनको ऑन करेंगे, ताकि अगर आगे जाके पूछते हैं तो किसी और को ब्लेम ना करें। तुम मैं इंसान हूँ, मेरे इतना भारी हो रहा है। बेटा बेटा करने लगा। अरे मेरा बेटा, हाँ मेरी शहजादी, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, अल्लाह मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, आखिरी वक्त होगा जब मेरी आंखों में आंसू देखेंगे, उसके बाद नहीं रहूंगी मैं। बस बहुत बहुत ज्यादा हो गया तुमने मेरे लिए, तो रो गए। कभी कभी नहीं संभाला जाता, मैं क्या करूं, छोटी हूं ना। बस एक दफा सिस्टम से निकाल दिया। हाँ निकाल दिया, मजबूत है ना मेरे बेटे, है ना, मजबूत है। एक वादा करेगी, वादा। अनाया की नजरों में उसका बाप कभी उसका मुजरिम नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, वादा। और फाकिर अनाया के लिए हमेशा बेस्ट फादर रहेगा ना, अपने अब्बा को आइडलाइज करेंगे, वो मेरा वादा है आपसे। शाबाश, शाबाश। नफरत नहीं आने देना, बाप की नफरत कभी ना आने देना। पता किया तूने मुझसे, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है। एनी जी, ये क्या, ये एनी, ये आखिर तो हमें छोड़ के जा रहा है, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर? मेरा आखिर फिर रिश्ता तो सोचा, मैं इस घर में क्या करूँगी, तुम नानी क्या। हाँ एक ही भाई, दोनों बड़े हो गए हो, हमारा तो ना सुननी है ना हमारा कोई, हमारी कोई औकात है कि हमसे कुछ पूछा चाहे या नहीं। तो मैं नाया को लेकर इस घर से कैसे जा सकती हूँ? ये फाकर से ज्यादा अनाया और तुम्हारा घर, सारी उम्र तुम इधर रही हो, तुम इस घर को छोड़ के कैसे जा सकती हो? अब इससे पहले कि तुम्हें बहुत ज्यादा डांट पड़े, सब कुछ समेटो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ आई है तुम्हें?
उठाओ ये सब कुछ। मम्मी हाँ पागल, अपना घर कौन छोड़ के जाता है? तेरे जाना है वो जाए। मेरी बात सुनो, हमें अंदाजा है बाहर रहना बड़ा मुश्किल है, कोई तकलीफ हो कोई चीज की जरूरत हो बस कर लेना फोन। ठीक है सायका, बच्चा तो ये संभाल लेगा, तुम भी अपना बहुत याद रखना। कॉलेज जाने मत भूलना तुम, ठीक है? ख्याल रखो। ख्याल रखो अच्छा, ख्याल रखो। मुझे रिक्वेस्ट की थी उसका ध्यान रखना। पासपोर्ट रखे हैं तुम्हें? वीजा, पैसे, कुछ भूल तो नहीं रहे? चेक किया सारा, फ्लाइट टाइम पर है। ख्याल रखना अपना, बीच में करेक्टिंग फ्लाइट होगी या वक्त मिले तो बता देना, सब खैरियत है पहुंचो तो। और खाने का ध्यान रखना, तुम नहीं रखते हो। ड्रग्स और चीज़ों में ना पड़ जाना, अच्छी चीज़ों में दोस्त ना बना लेना। पढ़ाई के लिए जा रहे हो ना? तो पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई पे तवज्जो देना, बस ये देख लेना कि मैं तुम्हारे बाबा के सामने शर्मिंदा रहा हूँ। हम यहाँ पे ठीक होंगे, फोन कर लेना। अच्छा जाओ, बस जाओ। This is the end. A new beginning. Friends. तो अब हम दोनों नकली मियां बीवी बनने की एक्टिंग करेंगे।
किसी को शक भी नहीं होगा। नीन तेल मैं जितना भी समझा रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आना। सदा के डफर है तुम। मुझे क्यों बोला डफर? बच्चा बेटा एप्टन तुम जैसे डफर को मैं दो मिनट ना बर्दाश्त करूँ अब उसको पूरी जिंदगी कहना रहेगा बर्दाश्त। बाहर जा रहे बाहर जाके अपनी जिंदगी जियो यहां रह के जीऊंगी। वैसे साइका तुम्हें क्या लगता है फाखिर का एनी को छोड़ने का फैसला सही था? शायद आके चल के सब कुछ ठीक हो जाता दोनों बच्चों में। क्या ठीक हो जाता? क्या ठीक था फैमी? मरते मरते तो बची है नाया की पैदाइश पे वो बच्ची। डॉक्टर ने तो साइन भी करवा लिए थे फॉर्म पे फाखिर से कि अगर मर मर आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। और फिर हम सब ने क्या किया? इतनी सारी जिम्मेदारियां उस बच्ची पे डाल दी, टेंशनें दी उसको। इस शादी का यही अंजाम होना था। दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। ये फैसला ही गलत था। सही कह रही हो तुम। अब देखो फाखिर तो चला गया बाहर अपनी जिंदगी बनाने के लिए, एनी क्या करेगी आगे? क्या मतलब क्या करेगी? अरे पढ़ाई अपनी मुकम्मल करेगी, जॉब करेगी, अनाया का ख्याल रखेगी। अनाया की फिक्र करने की उससे कोई जरूरत नहीं। हम सब हैं ना घर में, नानियां दादियां पूरा घर भरा हुआ है। हम ख्याल रखेंगे अनाया का। उसको अपनी पढ़ाई पे और जॉब पे तवज्जो देनी चाहिए। शादी जिंदगी का मकसद नहीं है, जिंदगी की जरूरतों में से एक जरूरत है। जब सही टाइम आएगा तब देखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हो। तुम यही देख लो, तुम भी तो अकेले ही अमन को संभाल रही हो। अल्लाह ने हिम्मत दे ही दी ना। टाइम के साथ साथ औरत बहुत मजबूत हो जाती, अकेले भी परवरिश कर सकती अपने बच्चों की। बिस्किट ले आती? याद ही नहीं रहा मुझे। क्या राहिला मर गई? सुनने में तो यही आया है कि इंस्पेक्टर से उसकी कुछ अनबन हो गई थी। राहीला ने गुस्से में आके इंस्पेक्टर अकरम की शिकायत अफसर से कर दी। इंस्पेक्टर अकरम ने अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी, सर राहीला कुछ हादसा मारती है। यार कैसी औरत से शादी कर ली थी मैंने? मेरी माँ की कातिल थी वो, और घर वालों के साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं किया था उसने। बेचारी आयशा, लाख दर्जे बेहतर थी राहिला से वो। आयशा भाभी ने हीरा थी, हीरा जो तूने खो दिया अपनी नाक कतरी की वजह से। कदर नहीं की यार मैंने उस, इसी वजह से आज तू इस हाल को पहुंचा हुआ है। क्या मिला ये सब कुछ करके तुझे? पहली बीवी तेरी चली गई, दूसरी बीवी तेरी चली गई, तेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो पर जान छिड़कती थी वो अलग तुझसे। ये इस एक कमरे के फ्लैट के अंदर गंदे से तू पड़ा हुआ, कोई भी रोजगार का जरिया है नहीं तेरे पास। क्या मिला तुझे सब करके? बहरहाल एक टॉवल फैक्ट्री के अंदर मैंने बात की है। जानता हूँ तेरे मतलब की जॉब नहीं है, मगर अभी फिलहाल यही है।
यार सफदर, मैं भाई साहब के ऑफिस में अलग कमरे में बैठता था। मैं साइन करता था तो स्टाफ की तनख्वाह इशू होती थी, तुझे पता है ये बात। मैं भाई साहब ने बहुत भरोसा दिया हम, और तूने उनका भरोसा तोड़ दिया। देख यार, अभी तुझे ना जिंदगी एक आखिरी चांस दे रही, उसको अवेल कर ले। इतना टैलेंट है तुझ में कि तू अपनी जिंदगी दोबारा से नए सिरे से शुरू कर सकता है, मगर नियत साफ रख के मेहनत कर लेगा तू। यार मेहनत से तू कभी नहीं घबराता। आज 25,000 रुपए की नौकरी है, कल बड़ी मिल सकती है यार। इंसान बन और सुबह नौकरी पूछ। मैं पहले गलत किया यार, मैं मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन जो हो गया सो हो गया, जिंदगी है। अब इंसान गलतियां करते हैं, खता के पुतले हैं। ऊपर वाले की जात है ना, वो बख्शने वाली है, बख्श देगी। अच्छा एक बात सुन, टॉल फैक्ट्री का जो मैनेजर है ना, इंतहाई कंजूस कंजूस आदमी है। 25,000 रुपये से नौकरी पे रख तो रहा है, लेकिन जैसे उसे मौका मिलेगा कि तू लेट आया है ना, तेरे 2,000 रुपये 3,000 रुपये काट लेगा। तू 4 दिन लेट होगा तेरी नौकरी गई। नहीं, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। सो ठीक, मैं बात करता हूँ, तुझे डिटेल्स भेजता हूँ। तो तू शुक्रिया, शुक्रिया सर। मैं चल यार, खाना खाया? ऑर्डर करता हूँ कुछ। I would like to invite the star of our university, Quratul-Ayn Habib. Please welcome her. I think you should tell your story to the people over here. Come on, go ahead. Come on. Go, show us. Jason. अस्सलाम वालेकुम। मैं कुरतुल-ऐन हबीब। यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं शादी के बाद पहली दफा स्कूल आई थी। अरे देखो देखो, नन्नी से दुल्हन आ गई। तीन हफ्ते ऐसे घर के आए हैं, किसी बोल रहे शादी में आई हो। छुरियों की छन छन करती हुई आवाज अभी भी मुझे याद है। ऐसा लगता है कि वो मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। आपके बड़े चाहते हैं कि आपकी और फाखर की शादी हो जाए। तो छुरियां उस दिन मुझे जंजीरें लगनी थी, मुझे बांध रही थी। सब कहते थे कि जल्दी शादी करना अच्छी बात है, जल्दी शादी कर लो, ऐसा क्या होगा।
आगे जाके पढ़ लेना, आगे जाके पढ़ लेना है नहीं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों पर हर्ज नहीं आना चाहिए। रातों रात मैं घर की बच्ची से घर की बहू बन गई और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। जब एक लड़का कहता है कि मुझे आगे पढ़ना है तो उसे क्या सुनने को मिलता है कि हाँ ठीक है तुम जाओ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपना करियर बनाओ, बिजनेस सेट करो। दूध के ग्लास, बादाम, पिस्ते, पराठे बनाकर उनको खिलाए जाते हैं और जब लड़कियां ये कहती हैं तो उन्हें क्या कर, उन्हें क्या कहते हैं कि पहले गोल रोटियां तो बनाना सीखो फिर जाके इंजीनियरिंग के ख्वाब देखना। क्यों करते हैं हम ऐसा? मैं सोचती हूँ कि अगर हम लड़कियों को भी वही सिखाते बचपन से जो लड़कों को सिखाया है, ऐसा क्या बुरा हो जाता? क्यों डरते हैं हम पढ़ी लिखी औरतों से इतना? जल्दी उम्र में शादी करवा के इसकी आवाज बंद कर दो ताकि आगे जाके ना कभी अपने हक के लिए बोल ही ना सके। पढ़ी लिखी होगी तो फिर सवाल उठाएगी और ये बात हमारे माशरे को बर्दाश्त नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी एक ऐसे घर में गुजारी है जहाँ की औरतें चार दीवारों में बंद होती थी, ना ही उनकी कोई राय होती थी ना ही मर्जी। मुझे पता था कि वो दुनिया मेरे लिए नहीं, मैंने खुद कुछ बनना है, पढ़ना है, लिखना है, अपनी पहचान बनानी है। लेकिन हमारे रवायती घर में ये बात समझना बहुत मुश्किल था। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे और फाखिर को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। उस वक्त लग रहा था कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। अंदाजा ही नहीं था कि वो तो बस एक कतरा था उस पानी में जो आके जाके बहुत बड़ा तूफान बनने वाला था। लोगों को पता है मैंने बहुत कुछ सीखा इन सालों में, लोगों के हालात को, सोचों को बदलते हुए देखा, कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरे के लिए। जिस घर में औरत मर्द की इजाजत के बगैर बाहर कदम नहीं रखती थी, आज उसी घर की औरत हमारा फैमिली बिजनेस चला रही है और सिर्फ चला नहीं रही, उस बिजनेस को ऐसे उरूज पे पहुंचा दिया है जहां कोई मर्द ना पहुंचा सका। बड़ी अम्मी, so proud of you. और मेरी माँ जो सिर्फ कुर्बानियां देना चाहती थी, सालों तक उन्होंने जुल्म सहा, अब उन्हें अपनी आवाज मिल गई है और आज वो पहली दफा अपने लिए खड़ी हुई है। लव यू अम्मा। चार साल पहले इन्हीं हॉल्स में नन्ही सी दुल्हन की सरगोशियां सुनने को मिली और अब तलाकी आपका सुनने को मिलती है। सबने मुझे बहुत कुछ कहा कि फाकिर को क्यों छोड़ा, वो तो इतना अच्छा था। और वाकई फाकिर बहुत अच्छा था और आज भी है। ना ही फाकिर बुरा था और ना ही मैं बुरी थी। हमारा वक्त बुरा था क्योंकि उस रिश्ते में ना ही हमारी मर्जी थी और ना ही उस रिश्ते को निभाने की समझ। और जब मेरी और उसकी मंजिलें अलग थीं तो फिर रास्ते एक साथ कैसे हो सकते थे? लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक इंजीनियर बन गई हूँ और फाखिर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। मेरी बेटी नाया का 2 दिन पहले स्कूल का पहला दिन था
फाखर में मेरा फैसला है कि हमारी बेटी अपनी मंजिल खुद सुनेगी, अपने फैसले वो खुद लेगी। कहते हैं कि तलाक का रेशियो बहुत बढ़ गया है क्योंकि लड़कियों में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। सही तो कहते हैं, खत्म हो चुकी है बर्दाश्त। अपनी तालीम की कुर्बानी देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अपने ख्वाबों का गला घोट देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमने। जिल्लत सहने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। अपनी सेहत को नजरअंदाज करने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देने की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है हमें। पैदा होते ही हमारी जिंदगी किसी और के हवाले कर दी जाती है। हम तो बस अपनी जिंदगी जीने का हक मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आप लोगों को एक बात बताती हूँ। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में हर 6 में से एक लड़की की शादी कम उम्र में होती है। इसका मतलब यह है कि 1,90,00,000 चाइल्ड ब्राइड्स हैं इस मुल्क में, और हकीकत में ये नंबर कहीं ज्यादा होगा। पर कितने बच्चों की मर्जी शामिल होगी इन शादियों में, ये बात हम सब जानते हैं। जबरदस्ती की शादी की इजाजत तो हमारा मजहब भी नहीं देता। एक बात याद दिला दूं मैं आप सबको कि 18 से कम उम्र में शादी करना पाकिस्तान में एक जुर्म है, और बाकी सारी जुर्म की तरह ये बस एक कागज पे ही जुर्म रह गया है। लेकिन हम इस बात को सीरियसली लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने, मेरी बड़ी अम्मी और मेरी अम्मा ने एक फैसला लिया है। हम लोगों ने एक होम खोला है जिसका नाम है आयशा हाउस। उस घर के दरवाजे हर उस बच्चे के लिए खुले हैं जिसके ऊपर जिस भी किस्म का जुल्म हुआ है। वो होम उन बच्चों के लिए एक सेफ जगह होगी जहां वो लोग आके रह सकते हैं। हम उन्हें लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और मेरी प्रिंसिपल, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था मेरी पढ़ाई में, उन्होंने कहा है कि वो उन बच्चों की पढ़ने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगी। ये हमारा अहद है कि इस मुल्क का हर बच्चा और हर बच्ची पढ़े। और अब लड़के पढ़ी लिखी लड़की से घबराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का एक अनमोल असासा समझेंगे। पर एक बात याद रखिएगा, एक औरत को तालीम देंगे तो उसके पास नस्लें बदलने की ताकत है। वो कौम कभी जाहिल नहीं रहेगी जिसकी औरतें पढ़ी लिखी होंगी। आज से हम सब एक वादा करते हैं कि अब बच्चों के हाथों में मेहंदियां नहीं, किताबें होंगी। थैंक यू। Proud of you, Vinny. करवा लो बस उससे। ये लो भाई, क्या चल रहा है? मामा पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। चलो खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे नहीं, बाय 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 बाय।
बाय 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 करो बाय बाय बड़े साइज सारे आपके जूते छोटे हो गए भाई साइज छोटा हो गया किसका फोन है आपका फोन आया है बाबा का फोन आया बाबा का हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो हेलो बाबा हेलो हेलो नाया बेटा बाबा बाबा को कौन बूटी चाहिए बूटी किधर भाग क्या कर रही थी बात करो बात करो आजो चलो मामा चावल बाबा अच्छा बाबा अस्सलाम वालेकुम हेलो बेटा नाया अरे भाई ये लगी हुई अपना खेल कूद में भाभी फाखर दूर तो चला गया है लेकिन नाया के कितने करीब आ गए अभी परसों जब उसको बुखार चढ़ा था मैं बताती हूँ ना आपको डॉक्टर्स ने कहा था वैक्सीनेशन होती है बच्चों को बुखार चढ़ता है ना नाया को भी चढ़ गया उसने डॉक्टर्स को फ़ोन करके सुना दी मैं इतनी शर्मिंदा मैं डॉक्टर से गई जी मैं जानती हूँ मेरा जो भतीजा है मेरा दामाद ज़रा उससे कहते थे लेकिन नाया के बारे में है वो जज्बाती छोटी सी छोटे छोटे हाथ मेरी उंगली पकड़ कर चलती थी अभी तो फिर ऐसा चली के आगे निकल गए हम सबसे ज्यादा समझदार फखर है मेरा ग्रेजुएशन कर ली उसने मैं तो अपने लिए कभी सोच ही नहीं सकी उसने सब कुछ कर दिखाया सबके लिए मिसाल बन गई ना हमारी यानी अकेले की मेरी बच्ची ने सब मेरा अभी भी नहीं रहे लेकिन अनाया के माँ बाप रहे ठीक कह रही हो आशा वैसे इन दोनों ने हमें सिखाया बहुत जिंदगी के बारे इन रिश्तों में शादी में एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को अजियत एक दूसरे को बुरा साबित करने खुद को बेहतर और सही साबित करने से कहीं बेहतर है इज्जत से एक दूसरे की इज्जत करते हुए इत्मीनान और खुशी से अलहदा हो जाए अलहदा रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे फाखर और ऐनी अलग हुए हैं लेकिन अनाया के माँ बाप अलग नहीं हुए बहुत खुशकिस्मत है बहुत सलामत अम्मा इसको तो खिला दें खा रही है खाया कुछ ऐसे तो गुस्से करोगी तो नहीं खाएगी और क्या लगेगा उसको है अच्छा अच्छा तो लाजा तो लाजा ऐ जी ऐ बिस्मिल्लाह खा तो रही है जबरदस्ती नहीं करो जितना अपना खिलाड़ ने ना इसे बिगाड़ दिया रात में इसके अब्बा की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मुझे जॉब और फिर यूनिवर्सिटी के बाद इससे बातें करनी होती है अरे नहीं इसको देर तक जगाया करो क्या चाहिए ये ले और इसको अगर मैं जल्दी चलाने की कोशिश करती हूँ ताकि जब तक इसके अब्बा की कॉल आएगी उठ जाए मुझे कहती है नहीं मम्मा बाबा की कॉल आएगी तब बात करके सोऊंगी ठीक है भाई उसके बाबा है उसकी मर्जी है ना मेरे बाबा मेरी मर्जी और क्या ये लो ये लो ये दादू के हाथ से खा लो ले लो ले लो मुझे नहीं खाना आप खा लो मैं ही खाऊं इतना तो खा लिया मैंने
एनी है मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने बहुत अच्छे ग्रेड्स आए सच देखो वाह कंग्रेचुलेशंस एमन मैंने तुम्हें कहा था ना हार्ड वर्क पेज ऑफ अच्छा रिजल्ट आ गया तुम्हारा तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है सब अगर तुम मुझे पढ़ने पे फोर्स ना करती और अम्मी को मेरी पसंद के सब्जेक्ट के लिए राजी ना करती तो कैसे होता इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है सब नसीब की बात होती है देखो तुमने मेहनत की तब तुम्हारे ग्रेड्स आए हैं एनी जब जब तुम मेरी कामयाबी का रीज़न बनती हो ना तो मुझे अपनी की हुई वो ज्यादतियाँ याद आती हैं आई एम सॉरी यार एमन मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था लेकिन ट्रीट मुझे ज़रूर चाहिए अच्छे रिजल्ट की डन पानी पियोगी थक गई होगी ना लेकर आते नाया आपको पता है नानों ने ना आपके फेवरेट आलू पराठे बनाए मैंने आपको लंच में दिए हैं पूरे खत्म करके आना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी और आपको एक बात बताऊं बाबा की रात में कौन आएगी हम बाबा से बातें करेंगे ठीक है अब जाओ स्कूल जाओ और खूब एंजॉय करना